जितने भी लोग कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं उन्हें जल्दी से बेल ना दी जाए। अक्सर देखा गया है कि किसी के पास से अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कुछ बरामद हुआ तो लगातार आप बेल पे बेल लगाते रहते हैं और बेल डिसमिस होती चली जाती है। कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो, सभी लोग बेल के पीछे लग जाते हैं कि बेल चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए। दोस्तों, एनडीपीएस जैसे मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि लोग सालों साल तक केस लड़ते हैं, केस लड़ते रहते हैं, एक बार भी बेल नहीं मिलती, लास्ट में कन्विक्शन हो जाता है और कन्विक्शन के बाद सीधा वो अपील में चले जाते हैं और बहुत पैसा, मतलब कि बहुत पैसा अपना घर तक बेचकर उन्हें केस पर लगाना पड़ जाता है, क्योंकि बार बार बेल लगाना, बार बार डिसमिस होना, सेशंस कोर्ट में बेल लगाना, हाई कोर्ट में बेल लगाना, सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाना और फिर भी बेल का ना मिलना। अक्सर देखा गया है कि किसी के पास से अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कुछ बरामद हुआ तो लगातार आप बेल पे बेल लगाते रहते हैं और बेल डिसमिस होती चली जाती है। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया कि आपको बेल लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज फिर से इस वीडियो में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि बेल आपको लगानी कब चाहिए। साथ में ही जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है या स्मॉल क्वांटिटी होती है, उन सब में बेल आपको कब कब लगानी चाहिए, उसी बेल के बारे में आज बात की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल आप कब लगाएं एनडीपीएस के केसेस में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, एनडीपीएस केसेस की अगर हम बात करें, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो ये एक एक्ट आया जिसके तहत जितने भी मादक पदार्थ जो आते हैं उनके तहत, जैसे कि अगर आप हिंदी में बात समझें इसको, स्वापक औषधि और मान्य प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, जितने भी आप में से कोई लॉ स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जितने भी आप वकील हैं, नए वकील साहब हैं, या कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहता है, या आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है या एनडीपीएस जैसे सीरियस मामलों में फंस गया है, ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत काम की होने वाली है। वीडियो को अच्छे से देखें, सेक्शंस को अच्छे समझें और समझें जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट का है वो कहीं ना कहीं बार करता है या कहीं ना कहीं वो रोकता है कि आपको बेल ना मिले। जितने भी लोग कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं उन्हें जल्दी से बेल ना दी जाए, बेल तभी दी जाए। और वैसे दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी हम लोग देखते हैं या केसेस हम लोग फाइट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज़ पर, तो ऐसे मामलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बेल आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। लोअर कोर्ट मतलब कि सेशंस कोर्ट से ज़्यादातर आपकी बेलों को डिसमिस कर दिया जाता है। और कमर्शियल क्वांटिटी में तो हमने ये देखा है कि कई बार गांजा की बात करें कुंटल के भाव से मिलता है, मतलब कुंटल में मिलता है। अगर हम बात करें किसी के पास 150 किलो, 200 किलो, 300 किलो तक गांजा बरामद हो गया, डोडा चूर्ण बरामद हो जाता है। हम ड्रग्स की बात करें, ब्राउन शुगर की हम बात करें, चरस की बात करें, अफीम की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आप हैं, एनडीएमए की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में दोस्तों अगर आप हैं, आपका मामला दर्ज हुआ है आपके अगेंस्ट, तो ऐसे मामलों में आपकी जल्दी से बेल होगी नहीं, और बेल होती है तो आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है या फिर आपके वकील साहब कोर्ट में बहुत अच्छे से दलील दें और बताएं कि आप उस केस में क्यों फंस गए, आप क्यों फंस गए। हो सकता है कि आप बेकसूर हो सकता है कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस रिकॉर्ड पर है ही नहीं और आपको अरेस्ट कर लिया, सेक्शन 50 का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया, अच्छे से कंप्लाइंस नहीं किए गए। कंप्लाइंस का मतलब होता है कि उसका प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों, साथ ही बात एक ये भी होती है कि जितने भी वकील साहब केस लड़ते हैं, ज्यादातर वकील साहब एनडीपीएस केस में सेक्शन 50 को हिट करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रेमेडीज वहीं से मिल जाए, पर सभी केसेस में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, केसेस में होता क्या है, या तो आप अपनी बेगुनाही प्रूव कर देंगे और या तो फिर वहां पर जितना ज्यादा हो सकेगा आप डाउट्स का बेनिफिट लेंगे, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट्स, कि आप उसमें सीधा रूप से मतलब कि दोषी नहीं है,
वो आपके पास से बरामद नहीं हुआ या फिर आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 50 को यूज किया जाता है ज्यादातर एनडीपीएस के मामलों में। दोस्तों कई बार ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं कि सर क्या स्मॉल क्वांटिटी बेलेबल ऑफेंस है, हमें थाने से बेल मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों ही मामले, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी हो, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, चाहे आपके पास से कोई भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी बरामद हुई हो, ये तीनों ही मामले नॉन बेलेबल है। ऐसा कोई मामला एनडीपीएस में है नहीं जो कि बेलेबल हो। सभी मामलों में पुलिस आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है और जेल भेज सकती है, और ऐसे मामलों में बेल लेना मुश्किल भी हो जाता है। अब हम बात करें तीनों मामलों में बेल किस तरह से हो जाएगी। अगर हम बात करें स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में इजीली आपकी बेल हो सकती है। हो सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगी, ये जरूरी नहीं। देखा जाता है कि जब आपको पकड़ा गया तो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, या फिर किस तरह से पकड़ा गया, आसपास चीजें आपके क्या थी, क्या क्या और एविडेंसेस आपके अगेंस्ट हैं, बहुत कुछ देखा जाता है इसके अंदर, तो आप फिर भी बेल आसानी से ले सकते हैं। इंटरमीडिएट क्वांटिटी के अंदर भी आपको सेशंस कोर्ट से बेल मिल जाती है, बट वहां पर भी आपके वकील साहब को मशक्कत करनी पड़ सकती है, जजमेंट्स लगाने पड़ सकते हैं, और साथ में ही आपकी चीजों के लिए जो कॉन्ट्राबैंड आपके पास से मिला है उसके बारे में अच्छे से बताना होगा कोर्ट में। जज साहब को बात समझ आ जाती है तो आपको बेल बिल्कुल मिल सकती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी में, पर कमर्शियल क्वांटिटी जैसा मैंने आपको बताया उसमें बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं उसमें बेल लेना। उसमें बेल फाइट करते करते आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी चाहिए, कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो, सभी लोग बेल के पीछे लग जाते हैं कि बेल चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए। बेल पे बेल आप लगाते जाते हैं, बेल डिसमिस होती चली जाती है और लास्ट में देखने को मिलता है कि बेल बिल्कुल नहीं मिली, पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप बेल लगाते हैं उसके साथ साथ ट्रायल के लिए भी आपको फाइट करना होगा। हर तारीख पर जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके वकील साहब को ट्रायल पर अपनी तैयारी करनी होगी ट्रायल को लड़ने के लिए, और उस केस को अच्छे से अगर वो लड़ते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, स्मॉल हो या फिर कमर्शियल क्वांटिटी हो, आपको ट्रायल पर ध्यान देना ही होगा बेल के अलावा। आप बेल लगाते रहें और अपने ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दें, साथ में जितना जल्दी कोशिश करें आप कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी का मामला है जल्द से जल्द चार्जेस फ्रेम हो, जल्द से जल्द मामला आपका एविडेंस पर आए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो हमारे पास केसेस आते हैं एक एक साल, डेढ़ साल, दो दो साल तक बीत जाते हैं और अभी तक चार्जेस ही फ्रेम नहीं होते। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होंगे एविडेंस पर केस नहीं आएगा, एविडेंस पर केस नहीं आएगा आपके वकील साहब सवाल जवाब करेंगे कैसे, सवाल जवाब नहीं होंगे आपका केस टूटेगा कैसे, और केस नहीं टूटेगा दोस्तों आपके ग्राउंड्स बेल के बनेंगे नहीं। आप आगे बेल लेने भी जाओगे तो बोलोगे क्या कोर्ट में, मतलब आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर भी सबमिशन के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो बेहतर है कि आप चार्जेस पर अच्छे से बहस करें, एविडेंसेस पर जाएं, क्रॉस अच्छा करें, ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ट्रायल पर ध्यान देना है, बेल आपको लगानी है, ग्राउंड्स नए नए बनाने हैं और जितना ज्यादा हो सके डाउट क्रिएट करना है केस में। क्योंकि दोस्तों एनडीपीएस के मामलों में प्रिजम्पशन, जैसे हमारे देश का कानून बोलता है कि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और यहाँ पर दोस्तों सिस्टम दूसरा है, एन एक्यूज इज एक्यूज अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी, मतलब जब तक वो दोष मुक्त नहीं होता तब तक उसे दोषी ही माना जाएगा। एनडीपीएस एक्ट यही बोलता है, कमर्शियल क्वांटिटी में बेल लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत अच्छे से केस को, ध्यान से केस को लड़ें, जितना ज्यादा हो सके डाउट्स क्रिएट करें, सेक्शन 50 का इस्तेमाल करें और अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो कमर्शियल क्वांटिटी में भी आपको बेल मिलेगी और स्मॉल क्वांटिटी को बेल मिल ही जाती है, और जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है उसमें थोड़ी मशक्कत होती है, बेल उसमें भी आपको मिल जाती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है एनडीपीएस को लेकर, एनडीपीएस केसेस को लेकर, बेल को लेकर, कोई भी सवाल आपके दिल में है कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हो सकता है हम कोई आपको एडवाइस कर सके और आप अपने इस केस से बाहर निकल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।